नमस्कार, ममता किचन में आपका स्वागत है। आज हम घेवर बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये मार्केट से घेवर मंगाया है। हलवाई की दुकान पे ये आसानी से मिल जाता है, तो मैंने ये एक घेवर लिया है। ये 100 ग्राम मैंने खोआ लिया है, इसे घर पे बनाया है। थोड़ा ये पतला रखा है, इसी में मैंने इलायची भी डाल दी थी। और ये एक बाउल चीनी है जिसकी हम चाशनी बनाएंगे। ये कुछ मैंने पिस्ता लिए हैं जिसको इस तरह से काट लिए हैं। ये चिरौंजी है, ये बादाम है, इसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। इसके घेवर के ऊपर से हम गार्निश करेंगे। यहाँ मैंने गैस ऑन करके पतीला पानी का ये वाला मेजरमेंट करके 1.5 कटोरी यही वाला पानी डाला है मैंने। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें ये चीनी डाल देंगे। और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे। 7-8 मिनट हो गए हैं, अब ये चाशनी में अच्छा बॉयल आ गया है। अब ये बन चुकी है, तो गैस हम बंद कर देंगे। घेवर बनाने के लिए आप एक थाली ले लीजिए, फिर इस तरह का कोई स्टैंड हो आपके पास और इस तरह की जाली, तो इस पर ये घेवर हम रख देंगे इस तरह से। ये चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो इसको हम इस तरह से इस पर फैलाते हुए डाल देंगे। सारे पे अच्छे से डालेंगे, चाशनी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैंने ये सारे पे चाशनी लगा ली है, तो इस पे जो खोआ मैंने बनाया था चम्मच की सहायता से इस तरह से फैलाते हुए इस तरह से सारे घेवर पे लगा देंगे। खोए को थोड़ा पतला ही रखना है, गाढ़ा रखेंगे तो इस पर लग नहीं पाएगा। इस तरह से ही सारा खोआ हमने इस पर लगा दिया है। इस तरह मैंने सारे घेवर पे खोआ लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, इस तरह पिस्ते डाल देंगे। चिरौंजी डाल देंगे, बादाम डाल देंगे इस तरह से। और इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी, जो चीनी का सिरप बनाया था, तब ये खाने के लिए तैयार हो। इस तरह से ये मैंने घेवर बना लिया है, इस पर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, तो आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।